इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है उसका हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में वापस से रिवाइव होते हुए देखा। आफ्टर 41 इयर्स इंडिया ने ओलंपिक्स में मेडल लाया, वो भी ब्रॉन्ज मेडल, आफ्टर जर्मनी को 5-4 से एक टफ फाइट में हराया। और साथ ही में हमारी जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है उन लोगों ने भी एक टफ फाइट दिया, लेकिन भले ही 4th पोजीशन पे फिनिश की, हमारी जो दिल है वो वुमेन्स टीम ने सबका जीत लिया। और ये जो हॉकी का जो वापस जो रिवाइव हुआ ना, इसके पीछे का जो क्रेडिट है वो जाता है एक ही आदमी को, वो है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। जहां एक तरफ पूरा देश क्रिकेट को बढ़ावा दे रहा था, क्रिकेट को प्रमोट कर रहा था, तो दूसरी ओर पे नवीन पटनायक ने हॉकी में इन्वेस्ट किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हॉकी को, ताकि वहां पे जो प्लेयर्स है वहां पे ट्रेन कर सके एस्ट्रोटर्फ पे। इसके बाद उन लोगों को प्रॉपर टाइम पे यू नो सैलरीज मिले, प्रॉपर डाइट्स मिले, सही से ट्रेन कर पाए और हम लोग वर्ल्ड के जो बड़े बड़े ऑपोजिशन है उनको हरा पाए। और इस मेहनत का जो ये जो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया नवीन पटनायक ने, उसका रिजल्ट हम लोग ने ओलंपिक्स में देखा है। एक तरफ देश में जहां इस रिवाइवल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जैसे कि हमारे दुग्गल साहब जो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अब जब वुमेन्स की जो टीम है उन लोगों ने 1-0 से एक हायर रैंक ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया, तो दुग्गल साहब का ट्वीट आता है कि हमारी जो वुमेन्स की जो टीम है वो चक दे इंडिया मूवी से इंस्पायर होकर ये मैच जीती। वाह भैया, मतलब कहाँ से लाते हैं ये अपनी इस बड़ी गजब की सोच को, ये तो वही जाने। पर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो इंडिया ने जो 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता वो लगान मूवी से जीता। हमारी जो डिस्कस थ्रोअर है वो कमलप्रीत कौर, वो कश्मीर में जो स्टोन पेल्टर्स है उनसे इंस्पायर होके किया। और हमारे सलमान खान साहब जिससे जिन्होंने ब्लैक बक का कोचिंग किया था उससे इंस्पायर हो गए अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए शूटिंग में। और इस चक दे इंडिया मूवी इमोशन में तो शाहरुख खान भी इतना बह गए कि अपने आप को एक्स कोच कबीर खान कहने लग गए। हाल ये हो गया कि जो रियल कोच है जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के, उनको आके कहना पड़ता कि भाई मैं रियल कोच हूँ। वो तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी दुनिया में ये लोग जा रहे थे, पर खैर इनकी दुनिया, इनको मुबारक। पर इंडियन टीम ने जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से वो फाइट, वो डेडिकेशन, वो हार्डवर्क दिखा इस बार इंडियन हॉकी टीम में बोथ मेन्स एंड वुमेन्स, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि ये जो टीम है ना जिस तरीके से आज ओलंपिक्स में खेली, ऐसे ही आगे और ये जो टीम है और स्ट्रांग होएगी और अच्छे से खेलेगी और हम लोग आगे जो ऑपोजिशंस को और अच्छे से हरा के देश का जो नाम है रोशन करते रहेगी ये हॉकी की टीम। आपकी क्या राय है इस हमारे इन वो हॉकी टीम के ऊपर और इन लोगों में जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।